अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की जिंदगी के बारे में बताने वाला हूं जो पहले क्रिकेट की दुनिया में एक मुनफरिद सितारे के तौर पर चमका और फिर पाकिस्तान की सियासी दुनिया पर छा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इमरान खान, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम के बारे में बताने वाला हूँ। इमरान खान से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर उसकी जिंदगी और उसकी कामयाबियां हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया है। दोस्तों, इमरान अहमद खान नियाजी 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इमरान खान एचिसन कॉलेज लाहौर, रॉयल ग्राइमर स्कूल लंदन और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम पाते रहे। आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान पाकिस्तान में राइज दौरे पार को पसंद नहीं करते। उनका कहना था कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की जहनीयत में वाजिया फर्क होता है और वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इमरान खान कहते हैं कि हमारे अक्सर स्कूलों में तालिबे इल्मों में कायदाना सलाहियतें उजागर करने का कोई निजाम मौजूद नहीं है। इमरान खान ने 1971 में पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम ज्वाइन की। इमरान खान का क्रिकेट का आगाज कुछ अच्छा नहीं था। उन्हें पहले ही टेस्ट मैच के बाद टीम से निकाल दिया गया और दौरे के बाद बहुत से अखबारात उन्हें इमरान खान लिखा करते थे, यानी वो इमरान जो कुछ नहीं कर सकता। कुछ ने तो ये तक लिखा कि इमरान खान ने अपना पहला और आखिरी मैच खेल लिया है। मगर दोस्तों, अपनी मेहनत और मजबूत कुव्वत इरादी की वजह से इमरान खान पाकिस्तान को पहला और अब तक का वाहिद वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान बने। इमरान खान बहुत जिद्दी इंसान थे। वो एक बार जो इरादा कर लेते फिर इससे पीछे ना हटते। इमरान खान पाकिस्तान की टीम में एक मीडियम पेसर के तौर पर आए थे, मगर 1972 में उन्होंने तेज रफ्तार बाउलर डेनिस लिल्ली को गेंद कराते देखा तो उनसे इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इसकी तरह का बाउलर बनने का इरादा कर लिया। उनके सीनियर खिलाड़ियों और वारसेस्टर शायर में उनके कोच ने उन्हें मना किया कि तुम्हारा स्टाइल और जिस्म तुम्हें फास्ट बॉलिंग की इजाजत नहीं देता और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना कैरियर खत्म कर लोगे। लेकिन इमरान खान ने हर खतरा मोल लिया और साबित किया कि इरादा पुख्ता हो तो कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। दोस्तों, इमरान खान ने 1992 में बतौर कप्तान पाकिस्तान को इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद वनडे वर्ल्ड कप जितवाया और 150 साल का बेहतरीन कप्तान कहलाए। दोस्तों, इमरान खान की जिंदगी का एक और अजीम कारनामा लाहौर में कैंसर अस्पताल का कयाम है। इमरान खान की वालदा मोहतरमा शौकत खानम कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हुई। इमरान खान को अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ की याद में उनके ही नाम से एक कैंसर मेमोरियल अस्पताल बनाया। इमरान खान लिखते हैं कि इस इरादे ने मेरा खुदा पर ईमान का आखिरी हद तक इम्तिहान लिया, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं सुरखुरू हुआ। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान ने अपनी इब्तदाई जिंदगी बहुत ऐशो इशरत में गुजारी, मगर बाद में वो रूहानियत की तरफ मायल हो गए। इसमें उनकी मदद उनके दोस्त मियां बशीर अहमद ने की। इमरान खान मियां बशीर अहमद को अपना रूहानी उस्ताद समझते थे। इमरान खान लिखते हैं कि मैंने 40 साल खुदा को तलाश किया, मगर जब मैंने उसे पाया तो देखा कि वो मेरे इंतजार में था। दोस्तों, अब इमरान खान की फैमिली और उनकी शादियों की बात कर लेते हैं। इमरान खान अपनी 4 बहनों अलीमा खानम, उज़्मा खानम, रानी खानम और रुबीना खानम के इकलौते भाई हैं। इमरान खान ने अपनी पहली शादी बरतानिया की करोड़पति औरत जमाइमा गोल्ड स्मिथ से की। जमाइमा बुनियादी तौर पर एक यहूदी खानदान से तल्लक रखती थी, मगर इमरान खान से शादी से पहले वो मुसलमान हो गई। जमाइमा से इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान और कासिम खान हैं। बाद में सियासी मसाइल की वजह से इमरान को जमाइमा से राह जुदा करना पड़ी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है।
इमरान खान ने दूसरी शादी एक मशहूर सहाफी औरत रिहाम खान से की, मगर उनसे भी इमरान खान की नहीं बना सकी और एक साल से भी कम अरसे में अलैदगी हो गई। कहा जाता है कि इमरान खान और रिहाम खान में अलैदगी की वजह रिहाम खान का इमरान की ख्वाहिश के बरअक्स सियासत में मुदाखलत थी। खैर, इमरान खान ने तीसरी शादी बुशरा मानिका नामी औरत से की और अब वो पाकिस्तान की खातून अव्वल है। अब बात करते हैं इमरान खान की सियासी जिंदगी की। दोस्तों, इमरान खान का सियासत में आने का रास्ता उनके कैंसर अस्पताल बनाने से हमवार हुआ। ताहम उन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक सियासी जमात कैम करके बाकायदा सियासी जिंदगी का आगाज किया। इमरान खान सियासत में एक मकसद लेकर आए थे, मगर उन्हें आगाज में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनकी खानदानी जिंदगी पर भी सियासी मुखालफत के असरात पड़े, जिनमें से एक जमाइमा खान से अलैदगी है। 1997 में तरीके इंसाफ कोई सीट हासिल ना कर सकी, ताहम 2002 के आम इंतखाबात में उन्होंने खुद मियां वाली से एक सीट हासिल की। 2007 में मुशर्रफ हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार भी करवाया और उन्हें कैद भी रखा। इमरान खान कहते हैं कि इस तजर्बे ने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया, खास तौर पर जेलों में मौजूद लोगों के साथ होने वाला सलूक। उन्हें मुशाहिदा करने का मौका मिला इमरान खान और नवाज शरीफ ने 2008 के इंतखाबात का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया, मगर बाद में नवाज शरीफ इस बयान से हट गए और इंतखाबात में हिस्सा लेकर पंजाब में हुकूमत बना ली और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। इमरान खान ने इन दोनों सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुखालफत जारी रखी और उनकी पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी पर खुलकर तनकीद करते रहे। इमरान खान के मुताबिक इन पार्टियों के सरबराहों का बुनियादी मकसद पैसा बनाना है और वो मुल्क से मुखलिस नहीं है। इमरान खान ने 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर में एक तारीखी जलसा किया जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके बाद इमरान खान की पार्टी मजबूत से मजबूत तर होती गई और 2013 में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। इसके अलावा कौमी असम्बली में भी उन्हें 37 सीटें मिल गई। इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात से बनने वाली नवाज लीग की हुकूमत को कबूल ना किया और धांधली के इल्जामात लगाकर इस्लामाबाद में धरना दे दिया। इस 126 दिन के धरने से हुकूमत तो ना टूटी, मगर इमरान खान पाकिस्तानी अवाम में शऊर उजागर करने में कामयाब हो गया। इसके बाद भी बाद मामलात मसलन पानामा लीक्स जैसे स्कैंडल पर इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ आखिरी हद तक गए और आवाम को करप्ट और गैर दयानतदार हुक्मरानों से निजात दिलाने का अजम किया, जिसका नतीजा 2018 के आम इंतखाबात में खुलकर सामने आया और इमरान खान की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में तारीख साज दूसरी बार मुसलसल हुकूमत बनाने के साथ साथ वफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। इस तरह एक अज़्म और इरादे से इमरान खान एक बेमंजिल सियासी मुसाफिर से पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। लेकिन इमरान खान की जिंदगी की असल इनिंग तो अब शुरू हुई है। देखना अब यह है कि क्या इमरान खान अपनी की गई बातों और किए गए वादों पर अमल कर पाए। ये थी इमरान खान की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के निशान को भी दबाएं। शुक्रिया।